Assalamualaikum guys, this is Junaid and welcome to another video. इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं Huawei Y6S का complete review, जो कि Huawei की तरफ से 2020 के start का budget segment का phone है, जो 21,000 की price bracket में पाकिस्तान में launch किया गया है. Basically दो colors के अंदर ये phone launch किया गया है, एक starry black है और एक orchid blue color है. ऑर्किड ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा डुअल शेड डुअल टोन में आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. तो रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है. और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. डिज़ाइन को देखते चलें तो बहुत ही स्लीक डिज़ाइन, बहुत ही लाइट वेट बॉडी Huawei Y6 की आपको मिलती है. बैक पर आपको डुअल टोन में कलर मिलता है. जो टॉप है वो आपको काफ़ी ग्लॉसी मिलता है. पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज़ किया गया है. और इसके साथ ही आपको जो बॉटम है वो थोड़ा मैट में मिलता है, जो ब्लू कलर में है. सिर्फ उसी के अंदर ये डुअल टोन प्रोवाइड किया गया है, जो कि मुझे मैट ज़्यादा पसंद आ रहा है इसका. और जो ग्लॉसी है उस पर भी आपको ज़्यादा फिंगर स्मच करते हुए नहीं मिलेंगे. लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको एक सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का 1.8 एफके एपर्चर के साथ आपको एक सिंगल फ्लैश की और Huawei की ब्रांडिंग के साथ मिलता है. टॉप पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, जबकि बॉटम पे आपको डुअल स्पीकर्स और माइक्रो यूएसबी की इनलेट मिलती है. जबकि लेफ्ट साइड पे फ़ोन पे आपको सिम ट्रे मिलेगा, जिसके अंदर आप डुअल सिम विद एक्सटेंडेड स्टोरेज अप टू 512 गिग्स आप इजीली एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत एक हैंडी फीचर लगा है कि अगर आप ये डिवाइस एज ए सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हैंडी फीचर है. बॉटम पे जो इसके स्पीकर्स दिए गए हैं वो स्पेशल स्पीकर्स हैं, Huawei की तरफ से डुअल स्पीकर्स हैं, जिनकी बेस काफ़ी अच्छी है. म्यूज़िक लवर्स और जो सॉन्ग्स लवर्स हैं और जो मूवी लवर्स हैं, जो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने फ़ोन्स में, लेकिन फोन बजट फ़ोन चाह रहे हैं और बजट फ़ोन के अंदर एक ये बहुत अच्छी एक हाईलाइटेड फीचर है Huawei का. फ्रंट पे आपको मिलेगी 6.09 इंचेस की LCD IPS स्क्रीन, जिसके साथ आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा ड्यू डॉप डिस्प्ले के अंदर. बॉटम पे आपको बेजल के अंदर आपको Huawei की ब्रांडिंग मिलेगी. स्क्रीन के कलर्स अगर आप देखें तो आपको बता दें कि स्क्रीन की विजिबिलिटी इंडोर्स तो सबकी अच्छी होती है, आउटडोर्स की स्क्रीन विजिबिलिटी की वीडियो हम साथ इसके अटैच कर देते हैं. कलर्स काफ़ी शार्प हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. Y6S के कैमरास की बात करें तो रेयर साइड पे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर के साथ, जबकि फ्रंट पे आपको ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के अंदर मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर. इमेज क्वालिटी की बात करें, नॉर्मल फोटोज़ हैं वो डिसेंट क्वालिटी की हैं. इमेज की शार्पनेस भी नॉर्मल है. कलर्स में हमें कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें मिला है. इसके साथ साथ आपको प्रो मोड पैनोरामा और HDR यूज़ करने के फंक्शंस दिए गए हैं. वीडियो के डिपार्टमेंट में ये फ़ोन 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड की रिकॉर्डिंग रखने की सलाहियत रखता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. ओवरऑल कैमरा बहुत डिसेंट है, काम कर जाता है, बजट फ़ोन है. सेल्फीज़ में भी हमें काफ़ी बेहतरीन सेल्फीज़ मिली हैं, लेकिन कलर्स में और शार्पनेस में कहीं कहीं आपको कैमरा स्ट्रगल करता हुआ महसूस होता है. सो गाइस, ये Huawei Y6S के रेयर सिंगल कैमरा से फुल HD यानी कि 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो शूट ही है. और इसकी इस तरह की कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है. कलर डायनामिक्स इतने ख़ास नहीं हैं, पर वीडियो सीम्स ओके फॉर अ बजट फोन. इतनी कोई इंप्रेसिव चीज़ नहीं है इसके अंदर. एंड द साउंड यू आर हियरिंग फ्रॉम इज द डेडिकेटेड माइक ऑन इट एज वेल. Hi guys, this is the selfie camera video that I've taken from Huawei Y6S, and this is the kind of picture and video quality that you get from the single 8 megapixel shooter. And the sound you're hearing is from recorded from the dedicated mic itself. Y6S की परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek का Helio P35 यूज़ किया गया है, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है.
P35 एक काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन हमें कुछ जगह पे कुछ ऐप्स के अंदर स्टटर फील हुआ है, कुछ जगह पे लैग सा फील हो रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी परफॉर्मेंस ओके है। इसको पावर करती है 3 गिग्स ऑफ रैम और 64 गिग्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 512 GB, जो कि एक काफ़ी हैंडी फीचर है इस फ़ोन का। गेमिंग के नज़रिए से अगर आप इस फ़ोन को लेना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि इसके अंदर जो स्पेक्स मौजूद हैं उसके लिहाज से हमने पबजी मोबाइल को नहीं चलाना मुनासिब समझा, लेकिन पबजी लाइट को मैंने चलाया है इस पर, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप एक बजट फ़ोन के अंदर पबजी खेलना चाह रहे हैं तो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है। आपको कुछ जगह पे फ्रेम ड्रॉप महसूस होते हैं और कुछ जगह पे आपको लैग भी महसूस होगा, लेकिन एक बजट डिवाइस को कंसिडर करते हुए अगर आप इस फ़ोन के अंदर पबजी लाइट खेल रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि आर्केड गेम्स के अंदर आपको कोई लैग नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ सेलिंग एक्सपीरियंस है। इस स्मार्टफोन की एक चीज़ जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ वो ये है कि इसका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है वो काफ़ी स्नैपी है, उसके साथ ही फेस अनलॉक के जो सिक्योरिटी हैं वो भी काफ़ी स्नैपी हैं, आपको किसी किस्म का उसके अंदर डिले और लैग नहीं मिलता, काफ़ी एक्यूरेट फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपका टच होते ही डिवाइस अनलॉक हो जाती है और मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर और यूआई की बात करें तो Huawei Y6s के अंदर सारी की सारी गूगल सपोर्ट मौजूद है, ये उन डिवाइसेस में से है जिसकी गूगल सपोर्ट पहले से ही अप्रूव हो चुकी थी, तो उस चीज़ में आपको फिक्र करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस एंड्रॉयड 9 और EMUI के 9.1 पर बेस्ड है, ये बजट स्मार्टफोन है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको। इसके साथ ही आपको UI के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जेस्चर्स मिलते हैं, साथ ही मिलती है आपको 3020 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग किसी किस्म की भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन Huawei के इंटेलिजेंट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपका एक दिन लास्ट हो ही जाता है। Huawei Y6s के रिव्यू के बाद इसकी वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपके पास 21,000 का बजट है और आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक सेकेंडरी फ़ोन Huawei का ही हो तो ये एक अच्छी चॉइस है। अलबत्ता दो चीज़ें इसके अंदर हमने नोट की हैं, एक तो ये कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग होती तो बेहतर होता, दूसरा ये कि माइक्रो USB की जगह अगर टाइप सी की सपोर्ट दी जाती तो बहुत ही अच्छा रह जाता। बाकी आपको ये डिवाइस एक अच्छे फीचर्स, लाइट वेट डिज़ाइन और एक स्लीक डिज़ाइन के साथ 21,000 की प्राइस ब्रैकेट में पाकिस्तान में दो कलर्स के अंदर अवेलेबल है। ये था हमारा Huawei Y6s का रिव्यू, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।